जय हिंद एक्सपीरियंस आप सबका स्वागत है एस एस बी क्रैक एग्जाम्स में मेरा नाम है नवज्योति आज मैं आपको एक क्विक तरीके से एक रिविजन देने की कोशिश करूंगा ऑफ द टॉपिक फंक्शंस इन मैथमेटिक्स स्पेसिफिकली फॉर एनडीए एग्जाम ठीक है चलिए बढ़ते हैं फंक्शन क्या होता है ये जानने की कोशिश करते हैं तो सिंपली बोला जाए तो ये एक स्पेशल काइंड ऑफ एक रिलेशन है जिसमें एक इनपुट है एक आउटपुट है और हर इनपुट के लिए एक यूनिक आउटपुट है, ठीक है अच्छा तो नो टू पेयर इन द रिलेशन हैज द सेम फर्स्ट एलिमेंट मतलब एक एक के साथ रिलेट हो गया तो किसी और के साथ रिलेट नहीं होगा तो ये एरो डायग्राम से और अच्छे से क्लियर होगा जैसे यहां ए के लिए आप देख रहे हैं एक्स आ गया फिर ए किसी और के साथ नहीं होगा ए किसी और के साथ फिर Uh, एक और रिलेशन नहीं बनाएगा अपना या इमेज इसको जो आउटपुट्स हैं इनको बोल देते हैं इमेजेस तो ये इमेजेस यूनिक होती हैं फॉर अ फंक्शन इट इज इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो है फंक्शन का वो यही बोलता है कि जो इमेज है वो फिक्स होनी चाहिए ठीक है चलिए आगे बढ़ा जाए ये दोनों जो आपको एरो डायग्राम में दिख रहे हैं ये दोनों फंक्शन क्यों नहीं है क्योंकि पहले वाले में ये हो रहा है कि ए जो है वो दो जगह मैप हो गया ए वन भी एक ऑर्डर पेयर बन गया और ए टू भी एक ऑर्डर पेयर बन गया ये रिलेशन में पॉसिबल है लेकिन फंक्शन में नहीं है ठीक है अच्छा इसमें क्यों नहीं होगा इसमें भी वही है देखिए फाइव दो जगह रिलेट हो गया फाइव कॉमा थ्री भी बन जाएगा और फाइव कॉमा फाइव भी हो जाएगा तो ये पॉसिबल नहीं है फंक्शन ठीक है एक बार आपने इनपुट को एक बार यूज कर लिया टू फाइंड एन आउटपुट इट्स ओवर उसको वापस नहीं यूज कर सकते आप ठीक है सो फॉर एवरी इनपुट वैल्यू वैल्यूर इज अक आउटपुट या द वैल्यूज ऑफ द इनपुट बी यूज ओनली वंस ठीक है अच्छा तो मैप map, मैपिंग या कॉरेस्पॉन्डेंस ये तीन नाम भी दिए जाते हैं फंक्शन को अच्छा एक तरीके से एक मशीन की तरह काम करता है फंक्शन कुछ इनपुट जाएगा जैसे मान लीजिए वाईक्वल टू 4X plus 7 में बोल रहा हूँ तो इसमें X की जगह या मैं मैं इसको भी भी लिख सकता सकता ही लिखा जाता है फिर उसी को मैं y भी बोल सकता हूं। तो फोर इंटू वन प्लस इलेवन ठीक है अच्छा इसी तरीके से अगर मैं थ्री पुट करूं जैसे यहाँ इनपुट थ्री है तो, 4 12 7, मिल जाएगा 90, तो इस तरीके से काम करता है एक और रूल क्या है वही फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू यहां पर जैसे फोर एक्स प्लस सेवन दिया हुआ है तो एक्स की जगह जो इनपुट आ रहे हैं उसको एक्स की जगह फीड करिए और रिलेशन से एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकालिए ठीक है ठीके? तो कैसे लिखा जाता है एफ ऑफ थ्री इज इक्वल टू फोर इन टू थ्री प्लस सेवन तो ट्वेल्व प्लस सेवन वो हो गया नाइनटीन ठीक है आगे बढ़ा जाए को डोमेन कोडोमेन एंड रेंज ये क्या होता है तो फंक्शन का जो पहला सेट है जहां से आप वैल्यूज उठाएंगे इनपुट के लिए वो कहलाएंगे डोमेन और जो आउटपुट जिस सेट में से निकलेगा जो नंबर ऑफ आउटपुट है वो तो कहलाएंगा रेंज लेकिन वो जिस सेट के ऊपर है वो कहलाता है कोडोमेन और हम एक टाइप ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे जहां पर ये रेंज कोडोमेन के अगर बराबर है तो उसका एक स्पेशल नाम है ठीक है उस फंक्शन को एक स्पेशल नाम से बुलाया जाता है तो डोमेन सिंपल है एक्स बिलोंग्स टू ए रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू एफ इमेजेस एलिमेंट्स ऑफ ए मतलब उन्हीं इनपुट के कॉरस्पॉन्डिंगली जो जो आउटपुट मिला उनको कलेक्ट करके अगर मैं एक सेट में लिख दू तो दैट इज माई रेंज और जो पूरा सेट जिसके ऊपर से आप रेंज को निकालेंगे वो कहलाता है कोडोमेन में ठीक है अच्छा जब फंक्शन डिफाइन आप करते हैं तो वो एक सेट से एक सेट की तरफ मैपिंग की तरफ बोला जाता है तो पहला सेट डोमेन कहलाता है और दूसरा सेट कोडोमेन ठीक है आगे बढ़ा जाए इस तरीके से फिगर के फॉर्म में हम समझ सकते हैं कि डोमेन तो हो गया मेरा वन टू थ्री फोर ठीक है कोडोमेन डोमेन जो है ये भी वन टू थ्री फोर रेंज क्योंकि सिर्फ दो ही यहां पर इमेजेस है या तो टू रिलेट हो रहा है या थ्री वन और फोर रिलेट नहीं हो रहे है। तो इसलिए रेंज जो है वो हो गया रेंज आपको इस तरीके से आप लिखेंगे रेंज इज इक्वल टू टू कॉमा थ्री लेकिन कोडोमेन आपका पूरा है वन टू थ्री फोर और डोमेन भी आपका वन टू थ्री फोर ठीक है जनरली डोमेन जो है उसका बाइफ़ोकेशन नहीं होता कोडोमेन भाग में आ जाता है क्योंकि सारी वैल्यूज उसकी यूज नहीं होती वाइल रिलेटिंग द इनपुट वैल्यूज टू आउटपुट तो अगर वो नहीं हो रही है तो वो कुछ वैल्यूज रह जाएंगी जो यूज होंगी वो रेंज कहलाएंगे ठीक है वो रेंज में आ जाएंगी रियल फंक्शन या रियल वैल्यू फंक्शन क्या है कि अगर ये डोमेन और कोडोमेन दोनों ही मेरा कोई सबसेट है रियल नंबर्स का सबसेट रियल नंबर मतलब दैट कुड भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स सेट ऑफ इंटीजर्स सेट ऑफ रैशनल नंबर्स इनमें से कोई भी या इनका ही कोई पॉजिटिव पार्ट भी एन प्लस हालांकि आर के और अगर ये फंक्शन के डोमेन कोडो में दोनों रहते हैं तो वो रियल फंक्शन कहलाते हैं हम जनरली हमको जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो जो फंक्शन गिवन होता है वो रियल फंक्शन ही होते हैं या मैंशन रहेगा कि जो डोमेन या कोडोमेन है वो स्पेसिफिकली मेंशन होगा या अदरवाइज हम मान के चलते हैं कि वो रियल फंक्शन है और रियल वैल्यूड मतलब जहां पर आपका जो कोडोमेन है वो सिर्फ सबसेट हो आर का एनजेड क्यू ठीक है आपका डोमेन कुछ भी हो सकता है कोडोमेन अगर आर का सबसेट है तो वो रियल वैल्यूड है और डोमेन भी अगर रियल रियल नंबर का सबसेट है तो इट्स कॉल्ड रियल फंक्शन ठीक है अच्छा इनका डोमेन या रेंज क्या कहलाता है जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स माइनस सेवन तो ये एक फंक्शन है मुझे अगर इसका डोमेन जानना है कि डोमेन क्या होगा तो क्या वैल्यू यहां पर मैं पुट कि डिफाइंड रहे तो जब तक एफ ऑफ एक्स की वैल्यू रियल रहेगी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्स फॉर विच एफ ऑफ एक्स इज रियल रियल नंबर आपका आना चाहिए आउटपुट में वो सारे x की वैल्यूज जिस पर मेरा एफ ऑफ एक्स रियल आए वो सब कहलाएंगे मेरे डोमेन तो यहां पर सिर्फ आप सेवन पुट नहीं कर सकते क्योंकि x माइनस सेवन जीरो के बराबर नहीं हो सकता सो तो x cannot be equal to टू तो मेरा जो डोमेन हो गया इस एफ ऑफ एक्स के लिए वो डोमेन विल बी इक्वल टू रियल नंबर्स माइनस सेवन क्योंकि सेवन में नहीं रख सकता तो ये हो जाएगा डोमेन इसी तरीके से अगर मैं बोलूं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ फोर माइनस एक्स तो इसमें भी अगर फंक्शन रियल रखना है तो मेरा स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं हो सकता इसका मतलब फोर माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो या फोर तो इसका डोमेन जो हो गया डोमेन विल बी इक्वल टू चार से कम ही होगा तो माइनस इंफानाइट से लेकर फोर तक हो सकता है मेरा डोमेन अच्छा ये ब्रैकेट्स क्या है ये क्लोज्ड और ओपन इंटरवल्स है इसको अभी समझते हैं हम लोग आई होप दिस इज क्लियर और रेंज मतलब जो जो आउटपुट की वैल्यूज आएंगी इन सारी डोमेन की वैल्यूज के थ्रू वो सारे को कलेक्ट करके जब आप लिखेंगे दैट एज रेंज ये रेंज कई बार हम ऐसा कर देते हैं कि एक्स और वाई को एफ ऑफ एक्स को वाई मान लेते हैं एक्स और वाई को इंटरचेंज कर लेते हैं एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई निकालते हैं और फिर हम उसका डोमेन निकालते हैं और वो इस एफ ऑफ एक्स का रेंज होता है ठीक है ये आगे अभी मैं दिखाऊंगा आपको करके इस तरीके से भी सॉल्व uh, आउट करके आ जाता है हमारे पास रेंज निकालने का तरीका ये है कि आप एफ ऑफ एक्स को वाई मान लीजिए और फिर एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई निकालिए मतलब एक्स इक्वल टू राइट हैंड साइड में वाई की कुछ कुछ वैल्यूज होनी चाहिए तो वो कि अच्छा, तो वैल्यूज ब्रैकेट अच्छा। है इसका मतलब वो जो बाउंड्री वैल्यू है वो इंक्लूडेड है अगर ओपन या राउंड ब्रैकेट है तो इसका मतलब वो जो बाउंड्री वैल्यूज है वो इंक्लूडेड नहीं है ये देखिए इक्वल टू नहीं है यहां पर इक्वल टू है तो इसका वो स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब बाउंड्री जो है ए से शुरू होकर बी तक तो ए और बी खुद भी है और अगर राउंड ब्रैकेट है मतलब ए और बी नहीं है ठीक है चलिए कुछ फंक्शंस देख लेते हैं पहला फंक्शन है आपके पास है कांस्टेंट फंक्शन कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी मतलब तो कुछ भी वैल्यू डालिए एक्स की जो रेंज है वो मेरा सिर्फ एक ही है दैट इज तो इस केस में आपका डोमेन क्या होगा कैपिटल आर और रेंज क्या हो जाएगा बस एक ही होगा ना कुछ भी आप डालो सी आ रहा है तो ग्राफ इस तरीके का बनता है एक्स एक्सिस पैरेलल एक लाइन इस तरीके का मिल जाएगा आपको ठीक है आगे बढ़ा जाए अगला फंक्शन है आइडेंटिटी फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन मतलब जो आप इनपुट डालिए वही आउटपुट आ रहा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स तो इसमें आपका डोमेन आप कोई भी रियल नंबर डाल सकते हैं तो डोमेन इज आर रेंज वो भी आ रही होगा क्योंकि हर रियल वैल्यू रियल नंबर के लिए ये रियल नंबर ही देगा ग्राफ कैसा होगा इस तरीके का जीरो को इस तरीके से इसके पॉइंट्स होंगे इनको आप प्लॉट करके लाइन बनाएंगे तो एक ओरिजिन से पास करते हुआ एक एक ऐसा स्ट्रेट लाइन आएगा जो फोर्टी फाइव डिग्री पे इंक्लाइंड होगा एक्स एक्सिस के ठीक है अच्छा आगे बढ़ा जाए एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कि इस तरीके से आप दो ब्रैकेट्स बना देते हैं और उसके अंदर एक्स लिखा जाता है ठीक है तो क्या खासियत है तो इसके चक्कर में हुआ क्या डोमेन तो इसमें आप कुछ भी डालिए कोई प्रॉब्लम नहीं है सारे रियल नंबर्स सा आप डाल सकते हैं लेकिन रेंज जो है रेंज क्या होगा इसमें सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स है ना और जीरो तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं आर प्लस यूनियन जीरो या आप ऐसे लिखते हैं सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स नॉन नेगेटिव नॉन नेगेटिव में जीरो भी आ जाएगा नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स ये हो जाएगा इसका रेंज ठीक है ये एक्स की वैल्यू माइनस वन रखी तो वन मिला माइनस टू रखा तो टू मिला जीरो पे जीरो वन वन, टू टू. तो फंक्शन ओनली लेकिन नेगेटिव में भी उसका नेगेटिव साइन ये खा लेता है फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट जहां वाई की वैल्यूज पॉजिटिव हो और फिर एनी वैल्यूज ऑफ एक्स वाई इज पॉजिटिव ग्राफ इज लाइक दिस मतलब आइडेंटिटी फंक्शन में क्या हो रहा था ये आगे इस तरीके से एक्सटेंड हो रहा था ठीक है प्लस पे प्लस माइनस पे माइनस तो फर्स्ट और थर्ड में ही बनता ग्राफ यहां क्या हुआ ये इस ये इस तरफ आ आ गया लाइन इधर गई क्यों क्योंकि की वैल्यूज पॉजिटिव है ठीक है आगे बढ़ा जाए एक और फंक्शन है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है दैट इज कॉल्ड द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये कैसा फंक्शन है नाम इसका ग्रेटेस्ट है लेकिन वैल्यू देता है ये छोटा वाला मतलब इसके अंदर आप डेसिमल का कोई एक नंबर डाल दीजिए जैसे मान लीजिए टू पॉइंट फोर ठीक है हालांकि हाँ इस तरीके से ऐसे भी रिप्रेजेंट होता है ऐसे भी रिप्रेजेंट होता है ठीक है सो आप चेक करिए किन दो इंटीजर्स के बीच में टू पॉइंट फोर आता है तो टू और थ्री इसमें से छोटा वाला चूज कर लीजिए मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जब 2.4 पे लगेगा तो आंसर आएगा 2 मतलब इट गिव्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर स्मॉलर देन द दे गिवन इनपुट ग्रेटेस्ट इंटीजर स्मॉलर देन द दे गिवन इनपुट सो आंसर आ जाएगा 2 अगर से 3 का तो 3 आएगा 0.74 का बताइए 0 और 1 के बीच छोटा क्या है 0 -8.4 नेगेटिव में तो उल्टा हो जाएगा माइनस एट पॉइंट फोर माइनस नाइन और माइनस एट के बीच में छोटा कौन सा है माइनस नाइन या माइनस एट माइनस नाइन इसलिए माइनस नाइन डोमेन क्या होगा कोई भी रियल नंबर डालिए लेकिन रेंज रेंज सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स होगी सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स होगी ठीक है अच्छा तो इस तरीके से ग्राफ बनता है कि वन और टू के बीच में जो भी आ, मैंने वैल्यूज डाली उसमें क्या आया उनके बीच की वैल्यूज़ पर आंसर रहेगा वन इसी तरीके से टू और थ्री के बीच में किया तो टू आया और एग्जैक्टली थ्री पर थ्री पर वैल्यू थ्री थ्री पर वैल्यू टू नहीं है थ्री हो गई इसी तरीके से टू पर वन नहीं आएगा वन पॉइंट नाइन 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 एट तक वन ही आएगा जैसे ही टू आया तब टू हो गया तो उससे पहले तक सब वन है इसलिए उस पॉइंट पर उसको सर्कल कर दिया और उसके अंदर डार्क नहीं किया तो डार्क नहीं करने का मतलब वो पॉइंट उस आ, के लिए इंक्लूडेड नहीं है ऊपर वाला है ऊपर वहां बनाया हुआ है वो इंक्लूडेड वो उसकी वैल्यू है इसी तरह से माइनस वन माइनस वन पर माइनस वन है ठीक है उससे पहले तक सब माइनस वन है माइनस वन पर भी माइनस वन है ठीक है माइनस टू पर माइनस टू ठीक है अच्छा ठीक है तो ये रहा आपका इस तरीके से ये रहेगा ठीक है इस तरीके से ग्राफ बनता है इसको स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं ठीक है आ, ये फंक्शन इंपॉर्टेंट है कंसीडरिंग एनडीए एग्जाम दूसरे टॉपिक से मिक्स करके ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का एप्लीकेशन जरूर रहता है ठीक है अच्छा टाइप्स ऑफ फंक्शन और देख लेते हैं आ, एक कैटेगरी है जिसमें हम आ, कितने एलिमेंट्स के, को डोमेन के कोडोमेन के किस तरीके से रिलेटेड है उस पर बेस्ड कुछ टाइप्स हैं पहला टाइप जो है वो कहलाता है वन वन कि आपने ये बोला कि डोमेन में से तो वैल्यूज यूनिक है उसने एक बार यूज कर लिया तो दोबारा उसको यूज नहीं करना क्या मेरा जो कोडोमेन है उसमें भी जिनसे जिस एलिमेंट से मेरा डोमेन से कोई एलिमेंट रिलेट हो रहा है क्या वो भी यूनिक हो सकता है तो जब वो यूनिक होगा तब वो फंक्शन कहलाएगा वन वन फंक्शन वो कहलाएगा वन वन फंक्शन क्या कि हर एक एलिमेंट आपने बोला डोमेन से तो यूनिक है ही को डोमेन में भी अगर कोई यूज हो गया मतलब किसी ने किसी के साथ रिश्ता बना लिया तो वो अब दूसरे के साथ नहीं बनाएगा हालांकि इस तरीके से पॉसिबल था फंक्शन के डेफिनेशन में कि ये माइनस टू इसके साथ रिलेट हो सकता था लेकिन अगर मैं बोल रहा हूं वन वन फंक्शन तो ये अलाउड नहीं है एक का एक के साथ वन वन बस ठीक है सो वन डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ इन हैव डिफरेंट इमेजेस और टू और मोर एलिमेंट्स ऑफ ए द सेम इमेज अगर हो गया तो देन इट इज कॉल्ड मेनी वन तो वन वन कब तक हर एलिमेंट uh, जो आप डोमेन से उठा रहे हो उसका सिंगल इमेज वो तो होता ही है फंक्शन के डेफिनेशन से और इमेज भी यूनिक कि दूसरा कोई एलिमेंट ये इमेज नहीं बनाएगा अगर लेकिन बना रहा है तो इट विल बी कॉल्ड एज मेनी वन ठीक है आई होप दिस इज क्लियर आगे बढ़ा जाए अब अगर मेरा जो कोडोमेन है उसके सारे एलिमेंट्स अगर रिलेट हो जाते हैं विथ माई एलिमेंट्स ऑफ द डोमेन तो वो कहलाएगा ऑन टू फंक्शन वो कहलाएगा ऑन टू फंक्शन ठीक है और अगर ऐसा नहीं है मतलब कोई ना कोई एलिमेंट्स कोडोमेन में रिलेट नहीं हुए छूट गए तो वो कहलाएंगे लेंगे फंक्शन इफ रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू कोडोमेन फंक्शन इज ऑन टू इफ इट इज नॉट इक्वल इट इज कॉल्ड एज इंटू ये देखिए ये फंक्शन देखिए आर एच ओ क्यू फोर टू और फाइव मेरा कोडोमेन था और तीनों ही एलिमेंट रिलेट हो गए यहां देखिए अगर मेरा कोडोमेन में फोर टू एट फाइव वन है फोर टू और फाइव रिलेट हुए लेकिन एट और वन खाली रह गए तो खाली रह गए मतलब इट इज एन इन टू फंक्शन माइ कोड इज नॉट इक्वल टू रेंज जब सारे कोड ओमेन के यूज हो जाएंगे इन द फंक्शन तो वो कहलाएगा ऑन टू फंक्शन ठीक है अगर वन वन और ऑन टू को कंबाइन कर दे तो दैट इज कॉल्ड एज बाइजेक्टिव फंक्शन या वन वन ऑन टू फंक्शन तो क्या रहेगा एक के लिए एक रहेगा ठीक है और रेंज जो है वो कोडोमेन के बराबर ठीक है वन वन थोरेटिकली प्रूफ करने का क्या तरीका है कोई भी दो एलिमेंट आप ले लीजिए डोमेन से और उनकी इमेजेस को इक्वल करके देखिए दोनों अगर इक्वल आ जाता है इसका मतलब वो सेम ही है तो इसका मतलब वो फंक्शन वन वन है ऑन टू के केस में कैसा है आप को डोमेन के अंदर जो एलिमेंट्स देख रहे हैं उनके लिए एक स्पेसिफिक एलिमेंट हो डोमेन में तो वो कहलाएगा फिर ऑन और हरेक के लिए हो एक स्पेसिफिक तो वो फिर ऑन टू कि हर एक के लिए डिफाइंड है कि एक ना एक वहां पर इमेज एग्जिस्ट कर रहा है ठीक है चलिए तो ये था वन वन और onto, आगे बढ़ा जाए इवन एंड फंक्शंस तो अगर फंक्शन इज डिफाइंड इन एक्स उस एक्स की जगह अगर मैं माइनस एक्स पुट कर देता हूं जैसे मान लीजिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू फोर एक्स माइनस सेवन तो माइनस एक्स पुट किया तो फोर इन टू माइनस एक्स माइनस सेवन ये हो गया माइनस फोर एक्स माइनस सेवन अब क्या मैं इसको इसके टर्म्स में लिख सकता हूं इन टर्म्स ऑफ एफ ऑफ एक्स तो यहां इस केस में तो आप नहीं लिख पाएंगे ठीक है तो दो कैटेगरी है मेनली uh, दो कैटेगरी है या तो मैंटिव साइन को, को पूरी तरह से बाहर ले लू और फिर एफ ऑफ एक्स को लिखू तो यह कहलाता है एफ ऑफ एक्स इज ऑड इज एन ऑड फंक्शन और अगर नेगेटिव हट ही गया तो वो कहलाता है इवन फंक्शन इसमें आपका कोसाइन फंक्शन आता है एक्स स्क्वायर एक्स की पावर फोर जो भी इवन पावर है वो सब इवन फंक्शन रहेंगे जैसे स्क्वायर तो ये इवन है कैसे क्योंकि माइनस एक्स स्क्वायर भी इसी के बराबर होगा एक्स क्यूब माइनस एक्स इसमें माइनस एक्स क्यूब वो डालू तो माइनस एक्स क्यूब माइनस ऑफ माइनस एक्स तो प्लस एक्स तो मैं बाहर कर सकता हूं इसको फिर मैं ऐसे लिख सकता हूं तो एग्जाम्पल दिया था एफ ऑफ एक्स इक्वल टू फोर एक्स माइनस सेवन ये एग्जांपल है ना ही ये ऑड है ना ही ये इवन है क्योंकि इसको आप ना ही माइनस एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं ना ही आप एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में लिख सकते तो अगर नहीं लिख सकते तो दैट विल बी कॉल्ड एज नाइदर इवन फंक्शन ठीक है चलिए ग्राफ्स देख लेते हैं इन फंक्शंस का कैसा होता है तो इवन फंक्शन uh, के केस में ऐसा होता है जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर तो इसमें होता ही है कि y एक्सिस जो है वो मिरर की तरह एक्ट करता है मिरर इमेज जैसा बनता है बीच में y एक्सिस की जगह अगर मैं मिरर रख दूं तो बिल्कुल उसी तरीके का ग्राफ बनेगा सिमेट्रिक अबाउट द एक्सिस

आगे बढ़ा जाए फंक्शन का इनवर्स ये क्या है तो कुछ देर पहले मैंने बताया था आपको कि रेंज निकालने के लिए हम फंक्शन को एक्स को फिर वाई के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं ठीक है तो वही है तो वो जो मैं कर रहा हूं एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई वो बेसिकली क्या है वो एफ इनवर्स x है x इक्वल टू एफ ऑफ वाई जो मैंने किया ये x बेसिकली क्या है दिस इज इनवर्स ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ सॉरी yes, ये जो एफ ऑफ वाई है ये है मेरा इनवर्स फंक्शन इनवर्स फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स एक एग्जांपल समझ लेते हैं जैसे मान लीजिए मैं बोल रहा हूं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जैसे पहले लिया था फोर एक्स माइनस सेवन तो ये तो एफ ऑफ एक्स हो गया इसको फिर मैं लिख दूंगा वाई इक्वल टू फोर एक्स माइनस सेवन यहां कर दिया मैंने वाई प्लस सेवन डिवाइडेड बाय फोर इक्वल टू एक्स तो एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई आ गया अब वाई की जगह आप एक्स लिख दीजिए तो एक्स प्लस सेवन बाय फोर और एक्स की जगह लिख दीजिए एफ ऑफ एक्स तो ये जो नया फंक्शन आया एफ ऑफ एक्स ये इस ऊपर वाले फंक्शन का इनवर्स है इनवर्स है ध्यान रखने वाली बात क्या है कि इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब फंक्शन जो है वो मेरा वन वन भी हो और ऑन टू भी हो वन वन होने से क्या फायदा है कि हरे एक के लिए एक ठीक है तो किसी पर्टिकुलर इमेज के कॉरेस्पॉन्डिंग जब मैं उल्टा देखूंगा तब मेरे पास उसका इमेज क्रिएट करने के लिए एक ही एलिमेंट होगा अगर one -one है तो ऑन टू इसलिए कि कोडोमेन में कोई ना छूट गया अगर और मैं फिर उसका एक इनवर्स एलिमेंट देख रहा हूं तो वो मुझे मिलेगा नहीं क्योंकि वो तो रिलेटेड ही नहीं था फर्स्ट प्लेस पे तो इसके लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट योर फंक्शन इज बाइजेक्टिव एंड ऑन टू आप बस क्या करिए डोमेन और रेंज को उल्टा कर दीजिए उसका डोमेन इसका रेंज बन गया बिल्कुल ऐसे कि एक्स से वाई की तरफ गया तो एफ लिखा वाई से उल्टा एक्स की तरफ आया तो एफ इनवर्स बन गया तो अगर एक्स डोमेन है और वाई को डोमेन तो आप उल्टा हो जाएगा ठीक है चलिए आगे बढ़ा जाए तो दिस इज इनवर्स ऑफ अ फंक्शन ग्राफ कैसा रहेगा अगर मैं एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ इनवर्स एक्स को एक साथ ड्रॉ करूं तो वाई इक्वल टू एक्स जो है वो अ मिरर एक्ट करेगा y equal to x मतलब ये जो डॉटेड लाइन आप देख पा रहे ये अ मिरर एक्ट करेगा ठीक है एज अ मिरर एक्ट करेगा आप बेसिकली एफ इनवर्स एक्स में क्या कर रहे हैं जैसे अगर एफ एक्स के लिए कोई एक पॉइंट है वन कोमा टू तो एफ इनवर्स एक्स के लिए क्या हो जाएगा टू कोमा वन जस्ट स्विच द एक्स एंड वाई उल्टा कर दो तो टू कॉमा वन उसके लिए फिर वो वाई क्या टू कोमा टू कैसे ठीक है आगे बढ़ा जाए फाइनल टॉपिक है फंक्शन में इट्स कॉल्ड कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन कंपोजिशन का मतलब यह है कि एक फंक्शन से हमने शुरू किया उसका एक डोमेन उसका एक रेंज ये जो रेंज है इस रेंज को उठाकर अगर मैं एक नया फंक्शन डिफाइन करूं जिसके लिए ये पिछले वाले फंक्शन का डोमेन एज uh, uh, ये जो फंक्शन है ये इसका रेंज एज अ डोमेन एक्ट करे सो दिस इज कॉल्ड कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन कि एक फंक्शन के जहां वो खत्म हो रहा है वहां से हमने उसको जहां उसने जो रेंज दिया उसके एलिमेंट्स को उठाकर हमने एक नया फंक्शन डिफाइन किया और ये जो रेंज है इसको मैंने डोमेन की तरह यूज किया

दिस इज द रेंज फॉर फंक्शन एफ लेकिन जी के लिए यही सारी वैल्यूज एज अ डोमेन एक्ट करेंगी और उसके लिए फिर कॉरस्पॉन्डिंगली जी ऑफ एफ ऑफ एक्स बन जाएगा तो ये मेरा नया फंक्शन डिफाइन हुआ यूजिंग कॉम्पोजिशन ठीक है अच्छा तो इस तरीके से रहता है जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन और जी ऑफ एक्स में लिखता हूं कॉस uh, एक्स तो अगर मैं बोल रहा हूं जी या गॉफ बताइए क्या होगा तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स होगा सो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स मतलब जी ऑफ कॉस एक्स जी ऑफ कॉस एक्स होगा नहीं जी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन होगा जी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन तो इसका मतलब जी में जहां पर कॉस एक्स है जहां पर एक्स आ रहा है उसकी जगह एक्सक्वायर प्लस वन लिख दीजिए तो कॉस एक्स स्क्वायर प्लस वन तो ये हो गया मेरा मैं यहां लिख देता हूं मैं सॉरी एक बार और लिख देते हैं g ऑफ f ऑफ क्या होगा g ऑफ जैसे भी आपको प्रोनाउंस करना है दिस इज बेसिकली g ऑफ f ऑफ x जो पहले है वो पहले और अंदर वो आएगा जो बाद में है f सो so ये हो जाएगा g ऑफ x2 1 g है क्या cos x तो x की जगह आप डाल दीजिए x2 1 तो cos x2 तो ये आ गया आपका नया फंक्शन गॉफ ठीक है अगर जी और एफ दोनों ही वन वन टू है मतलब इंडिविजुअली भी भी उनका इनवर्स इनवर्स एग्जिस्ट एग्जिस्ट करता है तो इसका भी करेगा और उसका इनवर्स बेसिकली मैं उसको ऐसे रिलेट कर सकता हूं गॉफ ऑफ इनवर्स जो बाद में उसको पहले लिख दो ऑफ एफ इनवर्स जी इनवर्स तो खुलेगा तो इस तरीके से ब्रैकेट खुल जाएगा सो दिस वॉज ऑल इन फंक्शन आई होप यू आर एबल टू रिवाइज